टेम्परेचर देख रहे हो, ये अंदर बता रहा है बाहर 1 डिग्री और कम होगा। यहाँ से जो है पर्वत के दर्शन होंगे। हर हर महादेव। पेट्रोल जो है वो कम हो गया था, यहाँ हमने पूछा था क्या करें, नहीं तेरे खत्म है कल था। पेट्रोल के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि हमें वापस जाना पड़ गया। ड्रोन का हो गया क्रैश, पहुंच चुके हैं। अरे स्टार्ट होगी गाड़ी। स्टार्ट क्यों कर रही हो, बस फोन मारना है और उतरना है, मैं जाना ही। मारो फोन, जाओ यार, हद हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है अक्षय भैया। अक्षय भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जी रात को यहाँ रुके थे, लोकेशन कुछ ऐसी सी है। कल जो हमारा काम रह गया था आज उसे पूरा करना है। एक जगह तो हम दर्शन करने के लिए चले गए थे, बट अभी नेक्स्ट जगह जो है तो मतलब जहाँ हमें ट्रैक करके जाना था हम वहाँ जा रहे हैं। चलिए ये सारी लोकेशन दिखा सभी को। हाँ तो ये देखो, ये कुछ लोकेशन है। वैसे हमने 4:30 बजे तक निकलना था लेकिन 5:30 जो है वो हमें हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि 6 बजे ITBP वाले वहाँ पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले जा ही नहीं सकते? उससे पहले जा नहीं सकते बिकॉज एंट्री नहीं होगी। ठीक है। तो भाई साहब नदी से पानी भर के ब्रश कर रहा हूँ मैं, बढ़िया सीन है। और फिर दोस्त भी हमारे साथ ही जा रही, तो बाकी लोग रुक रहे हैं। सो जी फाइनली निकल चुके हैं, 6:30 का टाइम जो है वो हो चुका है। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऊपर जा चुकी हैं। कल तो हम लेट आए ना, उस टाइम तो हमें कहीं भी जहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह होती है वहाँ पर भीड़ नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि भीड़ हमें मिल सकती है। चलिए ये देखो, गर्मी तो नहीं हुई है, तो ठंड है। कल तो हम लोग शाम को आए थे ना, तो शाम को बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। ठीक है, अभी देखो गाड़ी पे गाड़ी आ रही है, तो अक्षय भी आ गए हैं आगे एंट्री करवाने के लिए। तो इतनी देर मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँगा, अगर इनके जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी चला के ले जाएंगे आगे। ये हम वहाँ हैं, कल यहाँ पे नेटवर्क आए थे नाभी गाँव है ना जो, बट आज यहाँ नेटवर्क नहीं है अभी तक। टावर वहाँ छोटा सा लगा है लेकिन मुझे लगता है बंद होगा इसलिए नेटवर्क नहीं है। और ये देखिए आप भी जा रहे हो, ठीक है चलो लेट्स गो। टेम्परेचर देखो यहाँ पे 6 डिग्री। तो चलिए जी, सुबह सुबह एंट्री हो जाने के बाद अब निकल चुके हैं आगे की ओर। तो जी अभी दूसरी चेक पोस्ट आ गई है, वहाँ पे अक्षय भी आ गए हैं, वो करवाने क्या करवाने क्या करवाने गया था दोस्त, एंट्री करवाने। इसके बाद कोई एंट्री है? नहीं, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, इसके बाद मे बी शायद देखे बट ऐसा नहीं। ठीक है, यही अपडेट था। पहुँच चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं सामने हमें पर्वत के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि धुंध है, बट किस्मत अच्छी रही तो अगर धूप आएगी तो दर्शन हो जाएंगे। बट बेसिकली आज हमने जो है कुंड के दर्शन करने हैं। और टेम्परेचर देख रहे हो 3 डिग्री भी आ गया, बर्फ की साइन भी आ गई है। ये अंदर बता रहा है बाहर 1 डिग्री और कम होगा, कुछ पहन लो। पहन गया। सो जी अभी भी हम लोग सही टाइम पे पहुंच चुके हैं, भीड़ वगैरह उतनी ज्यादा नहीं है। कल हम इस साइड से यहाँ से रास्ते से होके ऊपर चले गए थे, आज हमने जाना है वो जो रास्ता आपको दिख रहा था। भाई साहब इतनी दूर आए हैं तो कवर किए बिना नहीं जाएंगे। इस गाड़ी में भी अपने टेंट लगा हुआ है। अक्षय भैया वॉशरूम गए, उसके बाद इन्होंने हमें ढूंढना सही नहीं समझा और खाने लग गए। आप हमारे साथ ही आए हो, हमें किसने पूछा था चाय के लिए? मुझे लगा आप लोग तो हम आपका वेट कर रहे थे। कहाँ पे थे आप? ये रही जी चाय हमारी, और ये जो है ये यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, ठीक है देख सकते हैं आप। तो ये सारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो जी फाइनली कर रहे हैं ट्रैक की शुरुआत। छोटा ही ट्रैक है, 1-1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का, 1-1 का नहीं, 1-1 किलोमीटर का। अक्षय भैया हर हर महादेव। हर हर महादेव। फिरदौस जी हर हर महादेव। चलो जी चले जी, ये इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ से जो है पर्वत के दर्शन होंगे। देख लो अभी थोड़ी थोड़ी सी जो है बादल हट रहे हैं, धूप आएगी तो हट जाएंगे एक बार से। चलिए जी गाड़ी हमारी वहीं पीछे ही है, चलो। सो जी हालत और एकदम मज़ेदार। बेसिकली एक तो क्या चढ़ाई है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन कम है। वहाँ से आए हैं इतना तक तो कर लिया हमने, यहाँ से थोड़ा सा और होगा। अक्षय भैया सबसे आगे भाग रहे हैं, चलो। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम टॉप पे पहुँच चुके हैं, वहाँ से आए थे। अक्षय भैया को पकड़ पाना नामुमकिन सा नामुमकिन है, और हल्की हल्की बर्फ की ना स्नोफ्लेक्स भी आ रही है। वो पता जिंक खा करके भाग रहा है। चलो पर मुझे लगता है शायद यहीं तक ही है, हम पहुंच चुके हैं टॉप पे। बट जो हम महसूस कर रहे था अल्टीमेट सुकून। एंड गाइस फाइनली वी रीच। गौरीकुंड में स्नान करना मना है तो कोई स्नान नहीं करेगा। चलिए हर हर महादेव।
हर हर महादेव। पक्षी भी आ गए, देख रहे हो, पहुंच गए जी, पहुंच गए। और ये है हर हर महादेव जी, फाइनली। चलो तो अब जब इतनी दूर आए हैं तो पूरा वहाँ आगे तक जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक जा सकते हैं। चलिए, एक भाई और भी हैं यहाँ पे। ऊपर से दर्शन करके तो आगे हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, तो फिरदौस कहीं नीचे आई थी तो मिल नहीं रही, तो नहाना अलाउड नहीं है तो इसलिए नहीं नहाएंगे। जाते समय अक्षय भैया नहीं पकड़ाई में आ रहे थे, अब वो पकड़ाई में नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, चलिए जी आ चुके हैं वापस, तो अब निकलेंगे वापस, क्योंकि दो लोग हम नीचे ही छोड़ आए थे तो वो वेट कर रहे होंगे हमारा। चलिए, और टाइम भी 10 बजने वाले हैं। जान दो इतने नहीं लगेंगे जान दो। जिमनी पे ना अपने वाले डोर पे नाम भी लिखाऊंगा मैं, स्मॉल टू राइडर। जिमनी में पेट्रोल जो है वो कम हो गया था, यहाँ हमने पूछा था क्या करें, नहीं तेरे खत्म है, कल था खत्म हो गया, आज आया नहीं मेरा। छोटू क्या नाम है तेरा? आदर्श। स्कूल जाता है? कौन सी क्लास में? एक में। स्कूल कहाँ पे है? वो कहाँ पे? इधर की इधर। अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं? छुट्टियाँ, ठीक है जी। वापसी की ओर हम निकल तो चुके हैं, लेकिन बारिश जो है वो भी स्टार्ट हो गई है, एंड बारिश इस जगह के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है, उससे रास्ता ख़राब होगा, मौसम ख़राब है, तो आप जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो भी नहीं देख पाएंगे अच्छे से। बट चलो हम ठीक है, हम आ गए नीचे, अभी हम जा रहे हैं ओम पर्वत की तरफ। बंदे हमारे शायद हमारा इंतजार कर रहे थे, ये भी यहाँ से निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं। सूझी आ गई है, एक ही वाटर क्रॉसिंग हमें मिली पूरे रास्ते पे, तो बाइकर्स को थोड़ा सा रहता है इशू ना, पाँव वाँव गीले हो जाते हैं, हालांकि ये ऊपर से चढ़ा के ला रहे हैं। चलो करो ना, ऑफ रोडिंग में पास हूँ मैं। आओ, आप हर एक चीज़ में पास हो, ऑफ रोडिंग ही वाटर क्रॉसिंग क्या बोले। चलो जो भी है, नॉर्मली नहीं है। चलिए जी, देखिए सब लोग जोर से भरे हुए हैं। चलिए जी, पेट्रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें वापस जाना पड़ गया ना, नहीं तो बराबर ही था, चाबी ले गया साथ में, यहाँ मिल जाएगा तो सही है। फिर रुक गए हैं यहाँ, अच्छी आबादी है, देख सकते हो। अच्छा, अतिथि होम स्टे नाबी, अच्छा नाबी में है, बढ़िया बनाया हुआ है, अभी और भी बन रहे हैं। बेसिकली जैसे जैसे टूरिस्ट लोग बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से ही जो है जगह की डेवलपमेंट भी होती जाती है। यहाँ पूछा है हमने, ये कह रहे हैं मिल जाएगा, चलो डालते हैं पेट्रोल। अब उसमें थोड़ा सा डाउट है, प्योर ही होना चाहिए पेट्रोल ही ना, मिलावट नहीं होनी चाहिए, बट ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई, करें भी तो क्या, गाड़ी पहुंचेगी नहीं ऐसे। 20-22 किलोमीटर। अच्छा, गिर रहा है बेचारा, बहुत पेट्रोल तो गिर जाता है इसी। ठीक है, 150 रुपये में वारा कर दी। 5 लीटर डालोगे उसके बाद दिखाऊंगा। तो भैया कह रहे हैं ये जो है ना, ये 5 लीटर ही है पूरा ना। अक्षय भैया कह रहे हैं नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वो भैया कह रहे हैं मीटर पे चेक कर लो चाहे तो। 5 लीटर के बाद चेक करेंगे मीटर पे। कोई बात नहीं है, पेट्रोल मिल रहा है, ये अच्छा है। पर जिमनी का टैंक छोटा है यार, टैंक छोटा है। अगर आपको कहीं पे बाहर आना है तो जिमनी का टैंक पे आप, मतलब कितना हमें सिर्फ बड़ी मुश्किल से हम वापस पहुंचते, लेकिन ये जो वापस जाना पड़ गया ना उसकी वजह से देखो, अभी भी इतने में भी हो जाए तो सही है। एक्चुअली पहाड़ों में क्या है, एवरेज भी कम दे रही है, कल तो 5-6 दिखाने लग गई थी, वो भी एक दिक्कत रहती है। ऐसे भी मतलब कुछ भी कर लो, 10 से ज़्यादा एवरेज नहीं देता भैया। तो बता रहे हैं क्या चीज़, ठंड में क्या होता है भैया, ठंड में थोड़ा गाड़ी भी वो उसका भी वो होता है ना, गिर जाता है। अच्छा, इस बार ज्यादा वर्दी गया लेने भैया ने, वही है जो हम। अच्छा वही है, मेरे को लग रहा ज्यादा वर्दी है, तो बहुत कम ज्यादा हो गया। हां ज्यादा हो गया था, कोई बात नहीं, वो तो हमारे लिए फायदा है। पहले 3 सेल आ रहे थे, 6 हो गए और रेंज बढ़ा गया, तो यहाँ पे पेट्रोल जो है 150 रुपये मतलब लीटर दिया उन्होंने, बट ठीक है यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, तो डाल दिए। नाबी इस गांव का नाम था, अब चले गए, थोड़ा सा ना वो रिलैक्स हो गए, तो पहले तो चिंता ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं खत्म हो जाए क्या हो, मतलब ऐसा है जहाँ पेट्रोल पम्प नहीं है वहाँ पेट्रोल मिल भी जाएगा, मिल जाता है, थोड़ा सा एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स, थोड़ा सा एक डाउट, थोड़ा सा वहमी आदमी के लिए रहेगा कि भाई मिलावट मिलावट ना हो, बट पेट्रोल का टेक्सचर और वो सारी चीज़ें देख के एकदम लग तो परफेक्ट रहा था, हाथ पे गिरते ही उड़ भी रहा था, वही एक तरीका है चेक करने का। तो चलिए, पीछे अभी डाइवर्जन सा आ गया, तो यहाँ से डाइवर्जन से आपको राइट साइड जो है वो ओम पर्वत की तरफ हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जो है वो आदि कैलाश जी की तरफ हो जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं ओम पर्वत की तरफ, अभी रुक गए हैं गुंजी चेक पोस्ट पे, तो यहाँ पे भी एंट्री वगैरह होगी, फिर निकलेंगे आगे।
सो जी रास्ता तो खराब सा ही है, मतलब खराब सा क्या है, मतलब रास्ता नहीं है, तो आपको अगर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन अच्छी नहीं है तो काफी दिक्कत होने वाली है। चलो अभी हमें जिमनी में भी मुझे लग रहा है कि हाँ भाई दिक्कत हो रही है, तो सोचो कि कितनी दिक्कत होगी। छोटी सी मोटी उसके ज्यादा नहीं है। ड्रोन का हो गया क्रैश, पंखे जो है वो टूट गए दो और एक पहले ही टूटा हुआ था। एक्चुअली क्या है, स्टेबल नहीं हो पा रहा था, हवा बहुत ज़्यादा थी, बोनेट पे लैंड करवाने ही लगे और भी मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा था, पता नहीं क्या था। तो चलो कोई नहीं, देखेंगे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, दूसरे वाला लेंगे जो लेटेस्ट वाला है ना। एंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं, देख रहे हैं आप पूरा उनका कार जो है। अभी पीछे ITVP के जवान तो उन्होंने कहा था कि जल्दी से दर्शन कर लीजिए बिकॉज मौसम ख़राब हो रहा है, तो एक बारी मौसम ख़राब हो गया फिर सारा बादलों में कवर हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। तो आगे एक व्यू पॉइंट सा कह सकते हो आप, बट इससे आगे नहीं जा सकते। काफ़ी देर बैठने के बाद अब निकल गए उनसे आगे की ओर, तो यहीं से जो है कैलाश मानसरोवर का रास्ता मिल जाता है और 2025 तक कह रहे हैं कि रास्ता मिल जाएगा, तिब्बत से एग्रीमेंट भी हो जाएगा कि लोग यात्रा करने जाते हैं उन्हें कैसे जाने दिया जाएगा क्या है। तो जी बाहर क्या है कि हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी चल रही थी और फिलहाल हम आ चुके हैं एक छोटे से ढाबे में, मैगी आ गई है, मोमोज भी आ गए हैं पहाड़ी, एंड हेयर इज आर चाय, खाते हैं पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। क्या कर रहे हो, हमने मैगी और मोमो खाए और अब आपको दिखाते हैं ऊपर वाले की माया। अगर हम थोड़ा सा लेट पहुंचते तो क्या हम दर्शन कर पाते, देख रहे हैं हमारी टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी, बादल छा चुके हैं, हो सकता है छट भी जाए बट हो सकता है ना भी छटे, तो चलो ठीक है। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हमें दोनों जगहों के, दो दिन हो गए नेटवर्क जोन से बाहर, आज के दिन में भी शायद वीडियो नहीं आ पाएगी, क्या करूँ, तो देखते हैं कल तो आई जाएगी, कहीं पहुंच गए तो रुक के कहीं से अपलोड कर दूंगा, कल तो आएगी। तो चलिए जी निकल चुके हैं अब नीचे की ओर, तो देखते हैं आज के दिन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, बट नेटवर्क जोन में जाना है, नेटवर्क जोन में तो आज जाना ही जाना है, मतलब वीडियो आएगी गाइस। अच्छा वीडियो, ये तो खैर दो तीन दिन बाद देख रहे हो आप ये वाला सीन लेकिन काफी स्ट्रगल है नेटवर्क की। तरुण एक बात बोलूं, मैं क्या सोच रहा था, अब मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रैक कर लिया ना, ईशान भाई हमारा फिट हो रहा है, ईशान समझ गए ना आप, मेहता साहब हमारे, मेहता साहब ठीक है, जब वो पूरी तरह फिट हो गया ना फिर उसके साथ हिमकुंड जाना है, हिमकुंड जाना है, चलो वो अगर देख रहा होगा तो हंस रहा होगा, कहेगा जाएंगे एक्स्ट्रा भैया। चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे तो जैसे कैसे भी होगा, बट फिलहाल अभी हमारा सफर लंबा है, अभी हमें मेरे को लगता है दो दिन और लगेंगे, तीन दिन लग जाएंगे, मतलब आज तो हम दारचूला भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो दारचूला तो हम आज कर लेंगे, चलो लेट्स सी जो भी रहता है कितना होता है कैसे होता है। सबसे स्टीप चढ़ाई आ गई, तो आगे से आ रही थी आर्मी एक कॉन्वॉय, पर एक कॉन्वॉय तो मतलब भी है, बाहर खड़ा हुआ फिर आंधी इतनी थी, अभी भी आर्मी के ट्रक कम से मेरे को लगता है 25-30 ट्रक थे और पीछे भी लाइन देख सकते हो आप, गाड़ियां आर्मी की सारी चली गई, मुझे लगा शायद अब और नहीं आएगी, और देखते हैं ये तो आई थिंक कैंपर है लो में आराम से आएगी, उसको देखेंगे अर्टिगा को, लो ही लगा हुआ है, क्या बात, देखो मोशन बनाया हुआ है भाई ने, ये मोशन की गई और नहीं रुकेगा वो, अच्छी लाइट दे रहे हैं, हम काफी देर से खड़े ही हैं, हमें नहीं नंबर मिलेगा यहाँ से जाने का, क्या फ्लैक्स है, आर्टिकुलेशन चेक कर रहे हो, कर रहा चेक आर्टिकुलेशन बहुत वेट करना पड़ गया, लिफ्ट 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 चाहिए मुझे, क्या लिफ्ट मिलेगी हमें, चलो जाने दो, खाई नहीं, मेरे को डर लगता है खाई दिखाते हुए, भाई साहब खड़ा हूँ हाथ छूट गया ना, भाई साहब मौसम देख रहे हो क्या हो गया है, वहाँ नीचे से अरे, और आज ट्रैफिक भी मिल रहा है हमें, कल तो ऐसे हमें लग रहा था शायद हम अकेले ही हैं जो जा रहे हैं, व्यूज़ चेक करो गाइस, व्यूज़ चेक करो, बिल्कुल बादलों के बीच है, नीचे तो देखो दिख ही कुछ नहीं रहा है,
हमने इधर तो नहीं जाना है, हमने अच्छा वो रोड दिख रही है सामने, वहां जाना है हमने। चलो जी, क्या बात है। लिए जा रहे हैं, किधर जा रहे हो जी? हेलो, ए छोटू, ये काट भी सकता है अगर इसका मूड कर गया तो। इधर अक्षय भैया के पास जा, जाओ उनके पास, जा मालिक के पास, बड़े मालिक के पास जा। रील के चक्कर में पूरा भीग गया। देखो ये देखो, निशा दे देना। अरे ये पता नहीं क्या मसला आ गया। अरे स्टार्ट होगी गाड़ी। दो दो चाबी दे दी। उस्ताद क्यों कर रही हो? बस फोन मारना है और उतरना है, बस हो गया। ये तो कह रहे चलाते रहेंगे यार। चलो ओ प्लान कैंसिल, ये परमात्मा का शुक्र है, जान में जाना ही। मारो फोन, चलो यार हद हो गई। ओ चलो चलो, दिल में जाना ही, मैंने कह रही गाड़ी चलानी है, रील बनानी है। मैंने कहा यार ऑटोमेटिक होती तो मैं एक बार के लिए सोच भी देता, क्लच ब्रेक से थोड़ी खेला जाएगा इनसे। कोई नहीं, रील बन रही है। ये आसमान की ऊंचाइयों में बारिश बहुत तेज हो रही है, बाकी पता नहीं पूरी गीली होगी, मेरे को लगता है पानी अंदर भी चला गया होगा। ये हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां उस दिन नेक्सॉन को दिक्कत हो रही थी, और मैं आपको बताऊं ना, अब यहां 4x2 गाड़ी नहीं चढ़ सकती। मतलब चढ़ने को तो चढ़ जाएगी, लेकिन जो वो मांगेगी ना स्ट्रगल, पहले मेरे को लगता रास्ता नीचे से होगा तभी वो बना होगा ना, फिर ये बाद में नया बनाया होगा, नीचे से बह गया होगा रास्ता, दिख तो नहीं रहा वैसा कुछ ऐसा। अच्छा वो देखो ना, टूट ही गया रास्ता। ये चढ़ाइए, ये वाली फिर भी ठीक है, ऊपर वाली ज़्यादा खराब हुई है, पर हमें अभी लैंडस्लाइड का खतरा भी है, तो इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि जितना हो सके निकल जाएं, एरिया कवर कर लें तो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो भाई साहब जब भी हम लोग पहाड़ों पे ट्रैवल करते हैं ना, हमें हमेशा कोई ऐसा रास्ता मिलता है जो मुझे लगता है कि भाई ये रास्ता जा कहाँ रहा होगा। ये दिख रहा है आपको ऊपर, ये देखो, ये ऊपर पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो रास्ता कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा होगा। यहाँ से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, पूरा पीछे से आ रहा है, आप नीचे उतर रहा है, कैसा सा रास्ता होगा, पुराना होगा जब। ओए होए होए, ताजी हुई है बिल्कुल। इस टाइम देख रहे हो 8:10, इधर देख रहे हो, वीडियो छोड़ी थी उस दिन 35 मिनट पे रह गई थी, अभी इसी पे लगे हुए हैं 51 हुई है, आज तो अपलोड करके ही छोड़ेंगे। मेरी कोशिश है कि अगर 9 बजे तक भी अपलोड हो जाए ना तो भी हम इसको डाल दें, लेकिन लग मुश्किल रहा है। यहाँ दारचुलाम पहुँच चुके हैं, कोई होम स्टे है, आज वहीं रुकेंगे, आज कैंपिंग नहीं करेंगे। तो चलो, तो जी होम स्टे एक लिया था, बुकिंग शुकिंग कर ली हमने, कॉल करके पूछा तो कह रहे पार्किंग है, फिर जाके देखने लगे तो एक गाड़ी की पार्किंग भी नहीं है ऐसे बिल्कुल। ओए यूलू और यो, अक्षय भैया को हो गया लवेरिया, हमने इनको यहाँ ठीक भी करवाने की कोशिश की, हाँ। पर इन्होंने बोला कि यहाँ पर ठीक नहीं होंगे, ये वही इनको आपको लेके जाना पड़ेगा हुलुलु। तो गाइस फाइनली खाना आ चुका है, खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। और ये तरुण ने देखो माथे पे क्या पहन लिया है। अरे क्या पहना दिया मुझे? ये तुम्हें लाइट पहना दी, साइड से आओगे तुम। अच्छा फ्रंट पे लाइट लगी, मतलब इस ट्रिप पे मुझसे इतना काम करवाया गया मैं आपको बता। टेंट तो तुमको तुम्हारा खोलना पड़ेगा ना। और ये देखो ये प्राणी बस अपने फोन में लगे रहते हैं, कर क्या रहे हो, जरा दिखा देना दर्शकों को। अच्छा अक्षया स्नैपचैट क्यों खोल के दिखा रहे हो? अक्षय भैया आधुनिकीकरण के गुलाम हो चुके हैं। अच्छा आधुनिकीकरण के, हो गया था आधुनिकीकरण। तो आज अक्षय भैया ने ठाना है कि मैं आज कुछ नहीं करूंगा, तो इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। पर देखो ना अक्षय भैया एकदम फॉर्म में रहते हैं हमेशा, बूट जींस और एकदम सेट, एकदम सेट। ये लाइट बंद हो गई है, लाइट ही खत्म हो गई, बताओ इसे चार्ज नहीं किया था, ये लाइट ही बंद हो। ये इंसान की बैटरी से चलती है। अच्छा वो डाउन है हमेशा, इस फोन टॉप राइडर की बैटरी बंद हो गई है, दोस्त में लगा दो फिर दोस्त की भी डेडी है आज। तो गाइस फाइनली कैंप का जो है हमने सेटअप कर लिया है, और अभी सोने का जो है समय हो चुका है, ठीक है। अक्षय भैया अभी कहीं जल्दी में ही है, गाड़ी में घुस रहे हैं, ठीक है जी। गुड नाइट, गुड नाइट विकास भैया, गुड नाइट, ठीक है जी, गुड नाइट, गुड नाइट अक्षय भैया, हाँ जी गुड नाइट, गुड नाइट, ओके जी ओके, फिर दोस्त जी गुड नाइट, गुड नाइट। चलो जी मेरी तरफ से भी सबको गुड नाइट, बाकी देखते हैं कल के क्या चीज़ रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।